हम भूल गए हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। आंटी, आ जाओ अंदर। आंटी, आप मुझे याद कर रही थी? अरे याद तो इंसान उसे करता है जिसे कभी भूला हो। और तुम तो हर वक्त आंखों के सामने मंडलाते रहते हो, सर पर सवार रहते हो, तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ मैं? मेरे कहने का मतलब है, आपने मुझे बुलाया? हाँ बुलाया था। ये देखो क्या है, आपकी आंखों को बिना ही चली गई। अरे अल्लाह न करे, कैसी बातें मुझसे निकाल रहे हो? तो फिर आप मुझसे क्यों पूछ रही है? आपको नजर नहीं आ रही घड़ी है? अरे नजर आ रहा है मुझे। तो फिर आप मुझसे क्यों पूछ रही है? अरे पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। अरे मुझे क्यों बता रही, मुझे तो पता है कि ये घड़ी है। अरे मैं ये बता रही हूँ कि ये कोई आम घड़ी नहीं है, बहुत कीमती घड़ी है। अच्छा बस ठीक है, ये बोल्टन मार्केट में 150 की मिल जाती है। ये 150 वाली घड़ी नहीं है, ये बहादुर के अब्बा की घड़ी है। वो रोज इसमें वक्त देखा करते थे। हाय, और देखते देखते उनका वक्त आ गया। खुद तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे मुझे क्यों शर्म आनी चाहिए, मैंने थोड़ी मारा उनको। अच्छा फालतू बातें बंद करो, मुझे तुमसे एक काम है। हाँ देखा, आपको उधार चाहिए होगा। मेरे सारे दोस्त हमेशा यही करते हैं, पहले बुलाते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, फिर असल मुद्दे पे आते हैं। कितने पैसे चाहिए बोले? हाय हाय, मुझ पर इतना बुरा वक्त नहीं आया कि मैं तुम जैसे फकीर से उधार मांगू। हैं? ये काम था, ये घड़ी ले जाओ और इसे ठीक करवा के। आहा, बस इतना सा काम हो जाएगा? हाँ इतना सा काम कर दो, यही काफी है। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, ये घड़ी एहतियात से लेकर जाना, कहीं उधर उधर नहीं कर देना। ये मेरे मरहूम शोहर की आखिरी निशानी है। ये आखिरी निशानी है? मैं तो समझा था ये बहादुर भाई उनकी आखिरी निशानी है। अच्छा फालतू की बातें बंद करो और सुनो, घड़ी वाले के सामने खड़े रहना, इधर उधर मत हो जाना। ये जो घड़ी वाले होते ना बहुत चोर होते हैं, पुर्जे निकाल लेते हैं। इस घड़ी से मेरी दिल की मोहब्बत। हाँ ठीक है, उसके साथ खड़ा रहूंगा, उसके साथ घर भी चला जाऊंगा जब तक वो बनाता रहेगा। कितनी बेकार की बातें करता है, घड़ी दे तो दी, कहीं इधर उधर न कर दे। कहीं जा रहे हो क्या? हाँ क्यों नहीं जाऊं? अरे नहीं नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि तुम जाओ और कभी वापस ना आओ। अरे बहादुर भाई, इंसान की कुछ ख्वाहिशात होती हैं जो जिंदगी भर पूरी नहीं हो पाती। वैसे जा कहाँ रहे हो? मैं घड़ी बनवाने। लो जी, वैसे फारिग तरीन इंसान को वक्त की इतनी कदर हो गई कि घड़ी बनवाने जाया जा रहा है। वाह! नहीं नहीं, मैं अपनी घड़ी बनवाने नहीं जा रहा, मैं तो आंटी की घड़ी बनवाने जा रहा हूँ। आंटी की घड़ी दिखाओ जरा। ये देखे, ये तो मेरे अब्बू की घड़ी है। हाँ जानता हूँ। ये तो अम्मी मुझे हाथ नहीं लगाने देती, कहती है तुम तोड़ दोगे, तुम्हें कैसे देती? असल में बहादुर भाई, आपकी अम्मी जानती है कि आप सिर्फ साइज में बड़े हो गए, अकल से आप अभी भी बच्चे हैं। अच्छा वैसे घड़ी तो मुझे दिखाओ। नहीं नहीं, मैं ये बनवाने जा रहा हूँ। अरे बहादुर भाई, ये आपने क्या कर दिया? अल्लाह की कसम मैंने जान के नहीं किया। बहादुर भाई, आंटी आपको जान से मार देंगी। अरे अम्मी तो मुझे जान से मार देंगी। लेकिन अम्मी ने तो ये घड़ी गुड्डू को दी थी और ये घड़ी गुड्डू ने तोड़ी है, ऐसा मैं कह के गुड्डू पे इल्जाम लगा दूंगा। असल में बात सारी है कि मैं आपकी रगरग से वाकिफ हो चुका हूँ, अब मेरे पास आपके खिलाफ सबूत मौजूद है। गुड्डू देख मेरे प्यारे भाई, ये वीडियो अम्मी को मत दिखाना, प्लीज डिलीट कर दे इसको। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, और जो आंटी मेरा हिसाब लेंगी वो। या तू एक काम कर। हाँ अरे दे दे, ये 2000 रुपए रख ले। जी जी, और ये वीडियो डिलीट कर देना, मेरा नाम मत लेना, भाई है ना, मेरा प्यारा भाई है ना। अब थोड़ी सी डांट खाने के लिए 2000 रुपए ठीक है, आप एक काम करें घड़ी उठा के दे। जल्दी करें, जल्दी करें। हाँ ख्याल से, 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 ख्याल से। हाँ आपने घबराना नहीं है, डिलीट कर दे रहा हूँ। जी 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 जी, जान बचाने के लिए 2000 रुपए पूरे नहीं है। सत्यानाश हो जाए तेरा, ये तूने क्या कर दिया? कितना कहा था तुम्हें कि संभाल के ले जाना, तोड़ डाली घड़ी। क्या हो गया अम्मी, क्यों डांट रही है मेरे भाई को? तुम तो चुप करो, जैसा भाई वैसी बहन, देख नहीं रही मेरे शौहर की आखिरी निशानी तोड़ डाली इसने। ओह, ये तो अब्बू की घड़ी है जो आपने इतने सालों से संभाल के रखी थी। हाँ तुम्हें मालूम है ना कितना संभाल के रखा था मैंने इस घड़ी को, मुझे अब इसकी शक्ल नहीं देखनी। तो आप आंखें बंद कर लें। गुड्डू बाहर निकलो कमरे से। अरे कमरे से नहीं, इसे मेरे घर से निकालो। क्या क्या क्या? लेकिन अम्मी तुम तो चुप ही रहो, इसे मैंने घर में रहने की इजाजत दी थी ना, अब निकाल भी मैं रही हूँ, निकालो इसे यहाँ से, और ये मेरा आखिरी फैसला है। बिल्कुल आखिरी? बिल्कुल आखिरी। पक्का? अपना सामान समेटो और निकलो, वरना धक्के देके निकालूंगी। ओके आंटी।
बहादुर के अब्बा मुझे माफ कर दे, मैं आपकी निशानी की हिफाजत नहीं कर सकी। क्या मुंह दिखाऊंगी मैं आपको? अरे गुड्डू तेरा सत्यानाश हो, तेरी कभी शादी नहीं हो, कुआरा रहे तू। अरे शाजिया ये क्या कर रही हो? नजर नहीं आ रहा क्या कर रही हूँ? नजर तो आ रहा है। तो फिर पूछ क्यों रहे कि क्या कर रही हूँ? मेरा मतलब ये क्यों कर रही हूँ? क्योंकि आपकी अम्मी की नजर में इंसानों से ज्यादा घड़ी की अहमियत है। शाजिया अम्मी तो मानने को तैयार नहीं है, तुम ही मेरी बात समझ जाओ। मैं नहीं समझूंगी, और याद रखें अगर मेरा भाई इस घर से जाएगा ना तो मैं भी साथ जाऊंगी। फिर तो मुझे भी जाना पड़ेगा। क्या मतलब? मतलब कि तुम्हारा भाई खामोशी से तो इस घर से जाएगा नहीं, जाते जाते मेरा भांडा भी फोड़ के जाएगा। कौन सा भांडा? यही कि वो घड़ी उससे नहीं मुझसे टूटी थी। क्या? वो घड़ी आपसे टूटी थी? तो मेरे मासूम भाई को क्यों जलील कर रहे हैं आप लोग? शाजिया तुम खुद सोचो, अगर अम्मी को ये बात पता चलती मेरी तो शामत आ जाती। बहादुर मेरा मासूम भाई आपकी वजह से मुश्किल में है। शाजिया ये गलत है। क्या गलत है? तभी आप ही ने तो बोला। मेरा मतलब गुड्डू को मासूम कहना गलत है, वो तुम्हें कहीं से भी मासूम नजर आता है। और वैसे भी मैं अपनी गलती मान तो रहा हूँ। मेरी बात सुने, मेरा भाई ना इस वक्त आपकी वजह से मुश्किल में है, और इस मुश्किल से आप ही उसको निकालेंगे। इसे निकालूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं? आइडिया। क्या? इधर वाह, ये सिला दिया मेरी खिदमतों का तुमने? अरे कौन सी खिदमत, घर का आधे से ज्यादा काम तो मेरी माँ करती है। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं जा रही हूँ। हाँ जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे भाई ने मेरे मरहूम बाप की वो आखिरी निशानी, उनकी घड़ी तोड़ दी उसने वो घड़ी। अरे मेरे भाई ने तो घड़ी तोड़ी है, पर तुम और तुम्हारी माँ तो रिश्ते तोड़ रहे हो। शाजिया मुझे तुम्हारी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी माँ ने जो कह दिया वो कह दिया। हाँ हाँ, क्योंकि आपकी नजर में उस घड़ी की अहमियत मुझसे ज्यादा थी। हाँ बिल्कुल थी। हाँ तो ठीक है, मुझे भी आपके साथ ही रहना, मैं भाई के साथ जा रही हूँ। हाँ हाँ शौक से जाओ, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। अरे अरे बहादुर, बहादुर सब खैर तो है? क्या हो गया? अम्मी मामला कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ये कॉम्प्लिकेटेड क्या? कॉम्प्लिकेटेड मतलब पेचीदा। हाँ हाँ ये तो मुझे पता है। पता है तो पूछ क्यों रही है? मैं तो ये पूछ रही थी कि शाजिया को क्या हो गया, इतना चीख चीख के बात कर रही थी, सब ठीक तो है? वो घर छोड़ के जाने की बात कर रही थी। है घर छोड़ के? तो तुमने नहीं रोका उसे? मैं क्यों रोकूं उसे, मेरी माँ के खिलाफ बात कर रही है। घर से क्या, मेरी जिंदगी से भी चली जाए तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे पागल हो गया क्या, दिमाग दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इतनी छोटी छोटी सी बातों पे रिश्ते थोड़ी तोड़े जाते। बस अम्मी अब मैंने फैसला कर लिया है, और एक बार जो मैं फैसला कर लूं फिर मैं किसी की नहीं सुनता। बहादुर, बहादुर इसको क्या हो गया, पागल हो गया क्या? मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मुझे बात करनी है। किससे? जाहिर है तुम्ही से बात करनी है, और किससे करनी है? मुझसे क्या बात करनी है आपको? देखो हरकत तो तुमने बहुत घटिया की है, दिल तो नहीं मानता कि तुम्हें माफ करूं, लेकिन तुम जानते हो ना कि मैं दिल की बहुत बड़ी हूँ, इसलिए चलो मैंने तुम्हें माफ कर दिया। आपसे बहादुर भाई ने कुछ कहा है क्या? नहीं नहीं बहादुर ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन एक मसला हो गया है। मसला? कौन सा मसला? देखो मैंने तुम्हें घर से जाने के लिए कहा ना, तो शाजिया और बहादुर के दरमियान लड़ाई हो गई। मैं समझा नहीं। अकल बहुत मोटी है तुम्हारी। शाजिया ने कहा है कि अगर गुड्डू घर छोड़ के जाएगा तो मैं भी ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। हाँ ये तो मैं जानता हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ ना कि शाजिया और बहादुर का घर हमारी वजह से ना उजड़ जाए। वो मेरा मसला नहीं है। एक छापड़ रख के मारूंगी ना तो मुंह टेढ़ा हो जाएगा तुम्हारा। अरे इतने दिनों से इस घर में बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो, अब हलाल करने का वक्त आया तो पीठ दिखा रहे हो। आप मुझे जलील कर रही हैं। तो ये कौन सी नई बात है, तुम्हें तो आदत हो जानी चाहिए अभी तक। जाए ठीक है, मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। अरे अरे नाराज हो गए तुम, मैं तो मजाक कर रही थी। देखो तुम बहुत अच्छे हो ना, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी वजह से शाजिया और बहादुर का घर ना उजड़े। ठीक कह रही हूँ ना?
ठीक है, मैं जाके छुटकी से बात करता हूँ। कितने तो अच्छे हो, अल्लाह खुश रखे तुम्हारा, जल्दी से तुम्हारे सर पे सहरा सजे। मारा कहीं का नखरे तो ऐसा करा है जैसे ये घर इसका बादशाह हो कहीं का। मैं जाके बात करता हूँ, कैसे कैसे लोगों को मुंह लगाना पड़ता है। अब ये क्या होता है, अब जब हम यहाँ से चले जाएंगे और आपकी याद आएगी ना तो ये तस्वीर देख के खुश हो जाया करूंगा। रुलाओगे क्या मुझे? आइए। एक आप भी ले लीजिए। कैसे कैसे ले? मैं आपको बताता हूँ, आप ये बीच वाला बटन दबाएंगी ना तो तस्वीर आ जाएगी। अच्छा आओ ना, जख्मी मुस्कुराहट तो ना दो। भाईजान। हाँ चुटकी। आगे जरा पैकिंग में मेरी मदद करा दें। मैं जरा आता हूँ। अरे ये लोग तो वाकई में जा रहे हैं। चलो एक अलविदाई तस्वीर ले लूं। तस्वीर तो अच्छी है ये। ये घड़ी तो मैंने गुड्डू को दी थी, मैं तो सारा इल्जाम गुड्डू पे डाल दूंगा। या मेरे अल्लाह, इतना बड़ा धोखा, यानी ये घड़ी गुड्डू से नहीं बहादुर से टूटी है और बहादुर मुझसे झूठ बोलता रहा। अभी जाके से ठीक करती हूँ। अरे आप लोग परेशान ही मत हो, मैंने आंटी को फुल इमोशनल ब्लैकमेल कर लिया। अरे अम्मी तो मुझे भी कह रही थी कि तुम दोनों को रोक के रखूं, लेकिन मैं भी जम के एक्टिंग करता रहा। भाई अब हम नहीं जाएंगे तो उन्हें यही लगेगा कि उनके कहने पे नहीं गए। अम्मी आ रही है, अम्मी आ रही है। अरे क्या बातें हो रही हैं। आंटी आंटी आइए आइए आइए, मैंने सिर्फ आपके कहने पे छुटकी को मनाया है, वरना ये कहीं चली जाती तो हमें बहुत बुरा लगता। अब हम कहीं नहीं जा रहे। अच्छा तुम दोनों ने जो टैक्सी बुक कराई थी वो कब आएगी? हाँ वो, अरे लाए दे, मैं कैंसिल कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं, कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं, जरूरत है अभी उसकी। अरे अब क्यों जरूरत है, अब तो ना मैं जा रही हूँ और ना भाई जान। अरे तुम और गुड्डू तो कहीं नहीं जा रहे, लेकिन अब जाएगा तो बहादुर जाएगा यहाँ से। मैं क्यों? अरे वो घड़ी तुमने तोड़ी और इल्जाम इस मासूम पे लगा दिया। गुड्डू नमक हराम, तुमने अम्मी को सब कुछ सच बता दिया। नहीं बहादुर भाई, आपकी बहादुरी की कसम, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। अरे गुड्डू ने मुझे कुछ नहीं बताया, मैंने खुद ये वीडियो देख लिए। आंटी आप यकीन करें, मैं तो सिर्फ अपनी बहन का ससुराल बचा रहा था, वरना मैं तो कहीं भी रह सकता हूँ। हम भी सही कह रहा, बिल्कुल सही कह रहा है। एक तो तुमने मेरे मरहूम शोहर की आखिरी निशानी तोड़ दी और तुमने इल्जाम इस मासूम बेचारे पे लगा दिया। मैंने भी गुस्से में आकर पता नहीं से क्या कुछ कह दिया, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अम्मी, 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 अम्मी।